तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि इसरो अपने मोस्ट अवेटेड मिशन चंद्रयान 2 के ऊपर पिछले 12 साल से मेहनत कर रहा था और ये चंद्रयान 2 इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। अगर ऐसा कर देता ये मिशन तो भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर चांद के पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता। हम सभी बहुत दिनों से इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने से ठीक 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया इसरो का। और हम सभी भारतीयों के लिए, इसरो के लिए ये एक झटका देने वाली न्यूज थी। हम सबके दिल टूट गए क्योंकि हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि अब एक गौरवान्वित पल हम देशवासियों को मिलने वाला है, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सका, अब ये इतिहास है। लेकिन एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए आ रही है गाइज, इसरो के विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए विक्रम की फोटो इसरो को भेज दी है। ऑर्बिटर आपको पता ही होगा, वो चंद्रमा के कक्षा के चक्कर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसने बाकायदा फोटो खींचकर विक्रम लैंडर की एग्जैक्ट लोकेशन इसरो को भेज दी है। और यहां पर ये बात उन्होंने बताई है कि जिस पूर्व निर्धारित जो जगह पर विक्रम लैंडर को उतारना था, जो कि नहीं उतर सका, उससे ठीक 500 मीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर दिखाई दिया है। तो गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसरो ने पहले ही बोला था, वहां के जो चीफ के सिवन थे, कि हम पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान लगा देंगे किसी भी तरीके से विक्रम लैंडर से दोबारा कनेक्शन स्थापित करने में। तो अब जबकि ऑर्बिटर ने विक्रम की दोबारा लोकेशन इसरो को बता दी है, तो ऐसे में अब ये डबल मेहनत शुरू हो गई है उससे संपर्क स्थापित करने की। और पहले भी एक न्यूज फ्लैश हुई थी इसरो की तरफ से कि एक वीक सा सिग्नल विक्रम ने ऑर्बिटर को भेजा था, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सिग्नल भेजना वो दोबारा शुरू कर चुके हैं एक दूसरे को, और ऑर्बिटर ने विक्रम की फोटो इसरो को भी भेज दी है। और के सिवन पहले ही बोल चुके हैं कि बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में एक बड़ी खुशखबरी देशवासियों को इसरो देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद भारत वो पहला देश ही होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। हमारी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं और भगवान करे कि वो अपने इस मेहनत के ऊपर सफल हो सके, चंद्रयान 2 एक इतिहास रच सके। तो गाइज, ये बड़ी खबर थी आपके लिए, आप अपडेट हो जाएं। ऐसे ही अपडेट के लिए आपको भारतीय न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज वीडियो आपको मिलते रहे। ख्याल रखिएगा, बाय बाय।